अपनी दादी से, सब लोगों की लगभग दादी होगी, मेरी भी दादी है 80 के प्लस में है, उनसे पूछना क्या पहले लड़कियों को पढ़ने की अनुमति थी? अच्छा सभी आप ही लोगों को पता होगा, नहीं थी ना। बस तो हम उन्हें धन्यवाद करना चाहेंगे जिन लोगों ने लड़कियों को इस जगह पर पहुँचाने की कोशिश। लड़के तो सभी पढ़ते हैं और पहले से ही पढ़ते चले आए, क्योंकि लड़कियाँ आज लड़कों से कई गुना आगे चल रहा। सर ने बताया था अरुणा सिन्हा के बारे में, उससे पहले भी एक क्या नाम था उनका, बसेंद्री पार, उसके उनके बारे में। तो जिस अनुमति जो मिली है, जो जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली है, वो केवल मिलती है इनके द्वारा, माता सावित्री बाई फुले के द्वारा। और इसी के मतलब में हम तुमको एक कहानी सुनाएंगे, बहुत छोटी। तीन मित्र, ज्ञान, धन और विश्वास। तीन मित्र थे, कौन कौन? ज्ञान, धन और विश्वास। छोटे थे, बहुत से छोटे, जब थोड़े थोड़े बड़े होते गए, उम्र उनकी हुई 16-17 साल, हाई स्कूल उन्होंने पास किया, इंटर पास किया, इंटर तक तो सभी लोग साथ होते हैं, ग्रेजुएशन होता है, कोई कोई बीएससी करता है, कोई बीकॉम करता है, कोई बीएससी है, कोई बीए करता है या कोई कुछ और करता है, अपनी लाइन बदल जाती है, कोई एयरपोर्ट में जाता है, एनजीओ में जाता है। तीन मित्र थे, तीनों का एक दिन ऐसा आया कि अलग अलग होने लगे। उन्होंने सोचा कि अब कब मिलोगे, अपने तुम कहाँ मिलोगे, कौन कौन मित्र बताए, विश्वास, धन और ज्ञान। ठीक है भाई, मिलेंगे कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कहाँ मिलोगे आप, एक जगह उन्होंने निश्चित की, इतने दिन बाद हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। तीनों लोग अलग अलग हो, ज्ञान, धन और विश्वास। और फिर इन लोगों ने कहा चलो अगर नहीं मिलेंगे तो एक जगह मिल जाएंगे। तो ज्ञान ने ये कहा हम मिलेंगे कोई मंदिर पर या किसी विद्यालय में, धन ने ये कहा हम अमीर लोगों के पास मिलेंगे। तो इन दोनों लोगों की बात को सुनकर के विश्वास तेजी से रोने लगा, विश्वास उसने कहा, जब वो रोने लगा इन दोनों ने कारण पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा जब दो लोग चले चले गए उसके बाद मिलते हैं यहाँ आके, जब रोने लगा तो उसने कहा भाई अगर हम कहीं चले जाएंगे तो शायद वापस नहीं आएंगे। मतलब समझे इसका, विश्वास अगर चला गया एक जगह से तो वो वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए बस आप लोगों को इतना ही कहना है कि जो मम्मी या पापा या बाबा या दादी या आपके रिलेशनशिप वाले जो आप पर विश्वास रखते हैं, बस एक ही चीज का विश्वास रखते हैं, आप उस रास्ते पर चलिए जो आप पर उंगली ना पड़ सके। इस बात को अपने दिमाग में सेव कर लेना। सबकी 16 GB मेमोरी होगी, अब 2 GB 4 GB से कोई काम ही नहीं चलता, 4G चला है, 32 GB है, तो आप लोगों की लगभग 2 GB मेमोरी होगी। उसमें एक जगह ये डाल दो कि माता और पिता का विश्वास न टूटे, टूटने देना। अगर ये टूट गया लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। बस मम्मी पापा अगर यहाँ भेजते हैं उनके कार्यों पर आप खड़े उतरो और मेहनत करो, पढ़ते रहे, लगे रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।